गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियंट क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म देखा था, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था। हमने मॉडुलस पढ़ा, आर्गुमेंट क्या होता है वो देखा। हमने कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ भी देखी। उसके बाद हमने सर्कुलर फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी कुछ डिस्कशन किया। डी मोवियस थ्योरम भी देखा हमने। उसके बाद हमने देखा था एन रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया था। और हमने एनथ रूट ऑफ यूनिटी को भी डिस्कस किया था। ये यदि nth रूट ऑफ यूनिटी निकालना है तो हमने 1 की जगह e टू दी पावर, क्योंकि हमको n रूट्स निकालने हैं तो हमने यहाँ जनरल टर्म से लेकर के उसको सॉल्व किया था। तो ये ei 2 पाई k बाई डिवाइडेड बाई n मिला, जिसको अल्फ़ा एज्यूम करके हमने इसके इतने रूट निकाल लिए। nth रूट ऑफ यूनिटी के हमने n रूट्स ये निकाल लिए थे, 1 अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा टू दी पावर n माइनस 1। और जब इन रूट्स का nth रूट्स का हमने सम किया था तो हमको मिला था 0, और जब उनका प्रोडक्ट किया था तो हमको मिला था माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1। उसके आगे हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्हों चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सके। चलिए तो अभी डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का। तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का ही हमको स्क्वायर रूट निकालना है। अभी हमने nth रूट निकाला था तो हमको 1 अल्फ़ा ये वाले टर्म हमको रूट्स मिले थे। तो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी निकालना है तो मतलब यहाँ पे हमको दो रूट्स मिलेंगे। तो वहाँ पे हमको क्या मिले, दो रूट्स, ये n रूट्स हैं। तो पहला रूट मिलेगा 1 और दूसरा रूट मिलेगा अल्फ़ा, जब k इज इक्वल टू आप रखेंगे 0 1। आप इस k में जैसे ही 0 1 रखते हैं तो ये आपके पास n रूट्स मिलते हैं। तो यहाँ हमको सिर्फ 0 और 1 रखने, क्योंकि हमको 2 रूट्स ही फाइंड करनी है। तो जब आपने 0 रखा तो 0 पे आपको 1 मिला, और दूसरा जब आपने 1 पे आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा। अब अल्फ़ा हमने यहाँ क्या एज्यूम किया था, अल्फ़ा को e टू दी पावर i 2 पाई डिवाइडेड बाई n, ये हमारा अल्फ़ा था। इस ये और n हमारे पास कितना है, 2 है। हमको यहाँ n था, यहाँ हमारे पास कितना है, 2। तो n की जगह हमने जब यहाँ पे 2 रखा तो अल्फ़ा हमको क्या मिल गया, e टू दी पावर i 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने यहाँ लिखा। तो e टू दी पावर आयोटा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, मीन्स हमारे पास n की जगह क्या है, 2। तो n की जगह हमने 2 रख दिया, 2 कैंसिल आउट हुआ तो हमको क्या मिला, e टू दी पावर आयोटा पाई। अब ये e टू दी पावर आयोटा पाई को हम क्या लिखते हैं, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई लिख सकते हैं। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है आयोटा इंटू 0, तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस 1। तो यहाँ हमको एक रूट मिला था 1 और दूसरा रूट हमको मिला माइनस 1। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी को जब हम निकाल कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितने रूट्स मिले, एक मिला, दो रूट मिले, जिसमें एक की वैल्यू है प्लस 1 और दूसरे की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। अब जब इन दो रूट का हम सम करेंगे, इसका सम करेंगे प्लस 1 माइनस 1, हमको क्या मिलेगा, 0। तो आप देखेंगे कि nth रूट ऑफ यूनिटी का जब हमने सम किया था 0, तो सेम स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप करेंगे तो ऑलवेज आपको उसका सम कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है। दूसरा, जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1, और n हमारे पास यहाँ कितना है, 2। तो यहाँ पे रख दीजिए माइनस 1, 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो ये कितना मिला, माइनस 1, मीन्स प्रोडक्ट कितना मिला हमको, माइनस 1। क्लियर है। तो जब स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी हमने निकाला तो उसका सम मिला 0 और उसका प्रोडक्ट मिला माइनस 1, और रूट थे प्लस 1 और माइनस 1। क्लियर है। अब हम देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी सम हमेशा nth रूट ऑफ यूनिटी का जब सम
ज़ीरो है तो आप क्यू स्क्वायर रूट निकालिए, क्यूब रूट निकालिए, फोर्थ रूट निकालिए, फिफ्थ रूट निकालिए, ऑलवेज उसका सम क्या होगा, ज़ीरो होगा और प्रोडक्ट या तो प्लस होगा या माइनस वन होगा क्योंकि ये माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन होता है। यहाँ जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो टू रखेंगे, टू माइनस वन मीन्स वन मिलेगा, यहाँ क्यूब रूट निकालेंगे तो थ्री माइनस वन मीन्स टू मिलेगा तो वो पॉजिटिव वन हो जाएगा, मीन्स प्रोडक्ट आपको हमेशा या तो प्लस वन मिलेगा या माइनस वन मिलेगा। क्लियर है? हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखते हैं तो जेड क्यूब इज इक्वल टू वन, दिस इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू वन टू द पावर वन बाई थ्री, ये लिखे मीन्स आप इसको यहाँ पे यूनिटी वन के आपको थ्री रूट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू लिख लेते हैं, पहला मिलेगा वन, दूसरा मिलेगा अल्फा और तीसरा मिलेगा अल्फा स्क्वायर जब आप k की वैल्यू रखेंगे ज़ीरो वन और टू। यहाँ पे k की वैल्यू जैसे अपने ज़ीरो वन टू, अब हमको थ्री रूट्स निकालने हैं तो ये तीन लेना पड़ेगा, ज़ीरो वन टू जो यहाँ रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, वन, वन पे आपको मिलता है अल्फ़ा और टू रखते हैं तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर की जगह रखा तो ये अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा हमने रखा, यहाँ अल्फ़ा का पावर वन था तो वन, यहाँ अल्फ़ा का पावर टू है तो टू और अल्फ़ा हमारे पास क्या था, ई आई टू पाई बाई थ्री, एन की जगह हमने क्या रख दिया, थ्री। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या बना, वन ई आई टू पाई बाई थ्री एंड ई आई फोर पाई बाई थ्री, ये हमको क्या मिल गए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ये तीन रूट हमको मिल गए, वन ई आई टू पाई बाई थ्री, ई आई फोर पाई बाई थ्री। अब इसको यदि हम कॉस और साइन के फॉर्म में लिखेंगे, जेड यदि आप ई आई टू पाई बाई थ्री को कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, कॉस टू पाई बाई थ्री प्लस आई साइन टू पाई बाई थ्री, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन बाई टू प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू और ई आई फोर पाई बाई थ्री, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा फोर पाई बाई थ्री प्लस आई साइन फोर पाई बाई थ्री इज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस वन बाई टू माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू। मीन्स हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमारे पास तीन रूट्स क्या क्या मिले हमको, जेड इज इक्वल टू मिला पहला वन, दूसरा हमको मिला माइनस वन बाई टू प्लस आयोटा रूट थ्री बाई टू। इसको इतना बड़ा ना बोल करके इसको इस ये जो नंबर है इसको हम ओमेगा नाम दे दिए, ठीक है। थर्ड रूट हमको मिला माइनस वन बाई टू माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू, इसको भी हमने नाम दे दिया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमको जेड के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीन रूट क्या क्या मिले, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आप सम करेंगे तो सम करने से इसको देखिए, जब आप इसको सम करेंगे तो वन माइनस वन बाई टू प्लस इतना प्लस दिस वन, तो ये माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वन बाई टू और माइनस वन बाई टू मिलकर के क्या बनेगा, माइनस वन, ये प्लस वन से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, ज़ीरो। मीन्स क्यूब और रूट ऑफ यूनिटी का सम भी आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो। क्लियर है? अब इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं। प्रोडक्ट आप करेंगे तो सिंपल आपको स्टैंडर्ड पता है कि माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन होता है, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस वन टू द पावर थ्री माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर टू मीन्स प्लस वन, तो इसका प्रोडक्ट हमको क्या मिला, प्रोडक्ट पॉजिटिव वन मिला। क्लियर है? या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सम जैसे आपने किया तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये आपको यूज़ होगा, वन प्लस ओमेगा, सम क्या है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका सम क्या होता है, ज़ीरो। ये आपको प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो आपको यूज़ होगा, इसलिए हम इस फॉर्म को पढ़ लेते हैं, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो, और प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, ये भी यूज़ होगा आपका, मीन्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। क्लियर है? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, वन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, तो मीन्स प्रोडक्ट आपका क्या होता है, वन और उसका सम क्या होता है, ज़ीरो। क्लियर है यहाँ तक? अब रूट ऑफ यूनिटी का हमने सम ऑफ प्रोडक्ट तो देख लिया, अब उसी पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए कि ओमेगा टू द पावर थ्री एन, मीन्स ये एन यदि थ्री थ्री इंटू एन है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, वन, वन प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा टू द पावर टू एन इज इक्वल टू, जब एन क्या है, थ्री का मल्टीपल नहीं है तब तो आपको उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, ज़ीरो, और यदि ये थ्री का मल्टीपल है तो हमको कितना मिलेगा, थ्री। जैसे यहाँ पे हम लिख दें वन प्लस ओमेगा क्यूब
स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 3, तो ये 3 के मल्टीपल ही बनेंगे 1 प्लस इसको करेंगे तो ओमेगा टू द पावर 6 प्लस ओमेगा टू द पावर 9 ये बना। लेकिन यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू यदि आप 1 रखते हैं तो ये कितना बनेगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए या क्यूब कर लीजिए 1 ही रहेगा, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 मिलकर के क्या बना 3। तो वही है कि यदि n क्या है 3 का मल्टीपल है तो हमको वैल्यू कितनी मिलेगी 3, और n 3 का मल्टीपल नहीं है तब आपको कितनी वैल्यू मिलेगी 0। जब ये 0 मिलेगी जब n क्या है इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, और 3 मिलेगा जब n इज मल्टीपल ऑफ 3। थर्ड है ओमेगा टू द पावर 3n प्लस के मिलेगा, तो 3n प्लस के को हम कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर 3n इंटू ओमेगा के ये लिख सकते हैं। तो ये कितना ओमेगा टू द पावर 3n को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब टू द पावर n, क्लियर है। ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमको कितनी मिली है 1, तो ये 1 टू द पावर n मीन्स 1 ही बनेगा, तो हमको सिर्फ मिलेगा ओमेगा टू द पावर k। ये पॉइंट और ये वाले पॉइंट आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, अब हमने जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा अभी तक, दो लेक्चर में हमने जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा उस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। यदि आपके पास आ जाए आयोटा टू द पावर आयोटा, इसकी वैल्यू आप फाइंड करिए। तो यदि हम इस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा को हम क्या लिखते हैं, ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 ये लिखते हैं। तो आयोटा टू द पावर आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई आयोटा पाई बाई 2 टू द पावर आयोटा, क्लियर है। अब ये आयोटा ये मल्टीप्लीकेशन में है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर पाई बाई 2, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस, तो ये बन जाएगा ई माइनस पाई बाई 2, ये आपका आंसर, ठीक है। तो आयोटा टू द पावर आयोटा की वैल्यू कितनी आएगी, ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2। तो आप ये सब आपको जो जनरल मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि हम 1 को माइनस 1 को आयोटा को माइनस आयोटा को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको बहुत ईजी जाएगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब इसी में यदि सेकेंड प्रॉब्लम मैं ऐसे लिख दूँ, लॉग आयोटा इसकी वैल्यू निकालिए, या इसको आयोटा टू द पावर आयोटा ही लिख दूँ, तो आप सिंपल अभी आयोटा टू द पावर आयोटा आपने कैलकुलेट करा है ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, अभी आपने लिखा आयोटा टू द पावर आयोटा की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की माइनस पाई बाई 2। अब इसमें लॉग ले लें, लॉग आयोटा टू द पावर आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2। अब लॉग और ई क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली, माइनस पाई बाई 2। देखिए ये वाले प्रॉब्लम जब भी कभी आपको मिले तो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, यदि हम आपको मिल जाए 10 ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4, इसका रियल पार्ट फाइंड करिए, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट कैसे फाइंड करेंगे, 10 ये आपके पास है 10 टू द पावर ई आयोटा पाई बाई 4, इस ई टू द पावर आयोटा पाई बाई 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 ये बन जाएगा आपका कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 से लिख सकते हैं, क्लियर है। अब ये कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई अंडर रूट 2, तो ये बन गया 10, ये बन गया 1 बाई रूट 2 और प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 की भी वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई अंडर रूट 2। यहाँ रियल पार्ट आप जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 इंटू 1 बाई अंडर रूट 2, ये आपका क्या है, रियल पार्ट। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 5 टू ज़ा 10 होता है, इसको 2 को हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, कैंसिल आउट हुआ तो कितना बना, 5 अंडर रूट 2। ये देखिए रियल पार्ट आ गया, मीन्स इसका हमको रियल पार्ट क्या मिला, 5 अंडर रूट 2। अब इसी का इमेजनरी पार्ट पूछता तो वो भी क्या आ जाता, 5 अंडर रूट 2। तो ये बहुत ईजी सवाल होते हैं, आप यदि बेसिक आपको समझ में आया हो तो बहुत आसानी से इस तरह छोटे छोटे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखें, 1 अपॉन ओमेगा
प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो अब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है, वन अपॉन ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ देखने से ही क्लियर लग रहा है कि मैं सपोज हम यहाँ पे ओमेगा और को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। क्लियर, ऐसे कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे मैंने ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, मैंने ओमेगा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब, ये मिला हमको। अब ये ओमेगा यदि आप कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? या इसमें से हम ऐसा कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब को आप एलसीएम ले लीजिए तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। क्लियर है? अब आप ये जानते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? वन, और वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ज़ीरो। ये अभी हमने कैलकुलेट किया था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो प्रोडक्ट होता है वन होता है और सम क्या होता है? ज़ीरो। तो इसको यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिल रहा है, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको? माइनस वन। तो इसकी वैल्यू क्या बनी? माइनस वन, और ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या है? वन। तो माइनस वन डिवाइडेड बाई वन इज इक्वल टू क्या मिला हमको? माइनस वन। तो वन अपॉन ओमेगा प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? माइनस वन। यदि इसी पे क्वेश्चन में ऐसे लिख दूँ, आई टू द पावर 57 प्लस वन अपॉन आयोटा 125 इज इक्वल टू वॉट। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास आई टू द पावर 57 है, तो आप हमेशा क्या करिएगा, जैसे जब हम आयोटा की बात करते हैं तो आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड आयोटा फोर इज इक्वल टू क्या बन जाता है? पॉजिटिव वन। तो हमेशा आयोटा फोर से हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ताकि आयोटा फोर इज इक्वल टू जो वन बचेगा, जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास जैसे है आयोटा टू द पावर 4 कर लेते हैं, और 57 से जब आप इसको 4 को करेंगे कैलकुलेट, तो 57 करेंगे 4 1, और 1 करने से 4 4 4 जा 16, तो आपके पास रिमेनिंग कितना बचा? आयोटा बस बचा। ठीक है, ये 14 4 जा कितना हो गया? 56। क्लियर है? 56 और एक बच गया कितना? 57, तो आयोटा अलग हो गया। प्लस सेम चीज़ यहाँ करेंगे 125, तो यहाँ पे भी आयोटा 4 लिख दें, और 125 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 इज़ अ 12, 3 और 4 1 31, और इनटू यहाँ पे भी कितना बचा हमारे पास? आयोटा। क्लियर है? यहाँ 4 1 इज़ अ 4 और 4 3 इज़ अ 12, मतलब 124 बना, 124 और एक जो रिमेनिंग रह गया वो आयोटा आ गया। तो देखिए ये आयोटा टू द पावर 4, और आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास हो जाएगा 1 टू द पावर 14 इंटू आयोटा, और प्लस 1 अपॉन 1 टू द पावर 31 इंटू आयोटा। क्लियर है? अब 1 के ऊपर कितना भी पावर हो वो 1 ही रहेगा, तो हमारे पास कितना मिला? आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा। अब आप देखेंगे, देखिए कितना इजी हो गया इसको, आयोटा टू द पावर 4 1 वाली वैल्यू जब हम 1 वाला मतलब आयोटा 4 को जब हमने लिया, तो देखिए कैलकुलेशन कितना इजी हो जाता है। अब कभी भी कोई जो इमेजिनरी नंबर होता है वो कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो इसके लिए हम आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमारे पास? आयोटा, और ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस वन, तो ये बन जाएगा आयोटा माइनस आयोटा, मीन्स हमको कितना मिला? ज़ीरो। मीन्स जब आपने आई टू द पावर 57 प्लस वन अपॉन आई टू द पावर 125 को सॉल्व किया, तो आपके पास वैल्यू कितनी मिली? ज़ीरो। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह माइनस वन बाई टू प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाई टू है, तो दोनों जगह हम ओमेगा रख सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा? ओमेगा टू द पावर 334 प्लस 3 ओमेगा टू द पावर 365। अब हमने इसको तो ओमेगा लिख दिया, अब पावर तो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। क्लियर? तो एक चीज़ हम और जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट कितना होता है? 1। ओमेगा क्यूब, जैसे यहाँ पे हमने आयोटा 4 इज इक्वल टू 1 लेकर के इस कैलकुलेशन को इजी बना दिया था, सेम चीज़ यहाँ पे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो इसकी हेल्प से हम इसको
सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, 4 + 5 ओमेगा क्यूब। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 आया इंटू ओमेगा हमारे पास बचा, क्योंकि 3 3 3 बनेगा तो 3 3 3 और एक 3 3 4 होने के लिए एक ओमेगा यहाँ अलग हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3, यहाँ फिर ओमेगा क्यूब लिखा और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे इसको तो 3 3 2 और 3 3 तो बचा हमारे पास 2, तो ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। 3 से डिवाइड करने पे हमको क्या मिल गया, देखिए 4 + 5, ये देखिए ओमेगा क्यूब की क्या वैल्यू होती है, 1, और 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो तो वो 1 ही रहेगा, तो ये बन गया 5 ओमेगा प्लस सेम इधर भी हुआ, ये बन गया 3 ओमेगा स्क्वायर। अब हम तो एक चीज़ जानते हैं कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 0, ये भी हमको पता है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। अब देखिए ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है, वैसे यदि यहाँ पे 4 5 3 नहीं होता तो ये 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बन सकता था, लेकिन इसको ये इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसको सब में से 3 3 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, 1 + 2 ओमेगा, क्लियर है। ये यहाँ से 4 में से 3 लिया तो एक 1 बचा और यहाँ 5 में से 3 लिया तो ये बचा 2 ओमेगा, क्लियर है। अब यहाँ से यदि आप 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर रहा और ये हमारे पास आ गया 1 + 2 ओमेगा, क्लियर है। ये 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये क्या हो गया ख़त्म, तो हमारे पास क्या मिला, 1 + 2 ओमेगा, क्लियर है। अब 1 + 2 ओमेगा और ओमेगा हमारे पास क्या था, -1/2 + √3/2, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 + 2 - 1/2 + √3/2, सिंप्लीफाई करिए तो क्या बन जाएगा, 1 - 2/2 करेंगे तो बना 1 और प्लस यहाँ पे √3, 2 2 अगेन कैंसिल हो गया, या यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना मिला, √3, ये आपके पास आंसर। तो देखिए ये हमको कितना बड़ा दिख रहा था, बट जब हमने कैलकुलेशन किया तो हमारे पास हमने इजीली सॉल्व कर लिया। बस हमको ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखिए ओमेगा की क्या वैल्यू होती है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज़ आयोटा वाले केस में, आयोटा टू दी पावर, जब कभी आपको पास ऐसे हायर ऑर्डर के प्रॉब्लम मिले तो वहाँ पे उसको i4 = 1 होता है, आयोटा टू द पावर 4 मीन्स आप 4 से यदि उसको डिवाइड करके बहुत ईजिली उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। आई होप कि आज के जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।